सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मैं क्षिप्रा शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो भी मेरा ये भावना दी के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उनकी रीडिंग और जो भी वो एडवाइस मुझे देती हैं मेरी पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद नहीं है मैं भावना दी से कब से जुड़ी हूँ। फेसबुक के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी थी। मुझे ये पता है कि 2019 में मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, अक्टूबर 19 पे। और उस टाइम पे भावना दी टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, तो वो उसमें वीडियो शेयर करती थी। और उस वीडियो में जो उन्होंने शेयर किया था, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी जब मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, तो वो जनरल रीडिंग थी। और भावना दी ने उसमें ये चीज़ बताया था कि ये किसी से भी रेजोनेट कर सकती है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मुझसे, ये चीज़ मेरे लिए है, जो भी भावना दी बता रही है वो मेरे लिए है। मैं उस टाइम उनसे मैसेंजर से बात करना चालू की, और उनसे पहली बार बात करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ, या फिर हम पहली बार कुछ ऐसा हमारा कन्वर्जेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद में मैं उनका एक ग्रुप है, बीटी स्पिरिचुअल, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें और भी मेंबर्स हैं, उसमें मैं ऐड हुई। ऐड होने के बाद में उन्होंने मेरा रीडिंग भी किया, टैरो कार्ड रीडिंग किया उन्होंने। और जो भी वो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, ब्रेसलेट पहनने का या फिर पूजा का या जो जो भी चीज़ है, बहुत बहुत ही अच्छा उसमें बदलाव मुझे अपने आप में देखने को मिला। पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत सोचना, बहुत नेगेटिविटी थी अंदर पे, बहुत गुस्सा आना, बहुत जो पुरानी चीज़ें हैं उसको याद करके दुखी होते रहना, या किसी ने कोई भी गलत कह दिया या कुछ गलत कर दिया तो बस उसके बारे में सोचते रहना कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट जैसे जैसे भावना दी से मैं और ज़्यादा बात मेरी उनसे होते जा रही है, तो मेरे अंदर की पॉजिटिविटी भी बढ़ते जा रही है। उन्होंने मुझे वाटर चार्ज करना बताया था, किया भी था उन्होंने, फिर मुझे बताया भी कि कैसे मैं भी कर सकती हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और जो वाटर चार्ज वाला था वो तो बहुत अच्छा पार्ट था, क्योंकि उससे ही बहुत पॉजिटिविटी मुझे लगने लगी। इसके अलावा ब्रेसलेट जो उन्होंने मुझे पहनने के लिए बोला था, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, जो मैं अभी भी पहन रही हूँ। इसका भी एक एक्सपीरियंस है कि मेरा हो नहीं पा रहा था वो चीज़, ब्रेसलेट का जो भी चार्ज वगैरह है, टाइम थोड़ा सा हमारा मिसमैनेज हो रहा था। पर जैसे ही मैंने तो खुद पहन लिया था, उन रही हूँ, इसका भी एक एक्सपीरियंस है कि मेरा हो नहीं पा रहा था वो चीज़, ब्रेसलेट का जो भी चार्ज वगैरह है, टाइम थोड़ा सा हमारा मिसमैनेज हो रहा था। पर जैसे ही मैंने तो खुद पहन लिया था, दी ने मुझे बोला था कि आप पूजा करके पहन लेना, तो मैंने पहन लिया था। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक बार चार्ज भी करवाना। तो जब मैंने पहले पहना, मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ ऐसा कैरी करूँ, लाइक वो बैंगल, ब्रेसलेट, कोई भी चीज़, तो वो मैं बार बार उसको रिमूव कर देती थी। जब भावना दी ने उसको चार्ज किया और फिर मैंने पहना, तो पता नहीं क्यों, शायद ब्लेसिंग से उनके ऊपर भगवान जी की या जो भी चीज़ है, उसके बाद से मैंने उसको बराबर कैरी किया हुआ है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे जो पहले होती थी। तो कुछ तो चीज़ है जो अलग है उनमें और बहुत अच्छी है। लगता नहीं है कि हम उनसे अलग हैं। कुछ भी चीज़ अगर दिक्कत होती है, थोड़ी भी दिक्कत अगर होती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से हो चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो, उनको वो चीज़ पहले ही पता चल जाती है, हमारे बिना बताए उनको पता रहता है। मैं जो भी इसको सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप रेकी हीलिंग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और भावना दी तो है ही अच्छी, आप उनसे एक बार बात करेंगे तभी आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। तो बस इतना ही बोलूँगी, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ में। थैंक यू भावना दी, थैंक यू सो मच।